अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी अमार अली। उम्मीद करता हूँ आप सब होंगे हैरियत से फिट फाट। सो गाइस वेलकम बैक करते हैं आपको आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। अच्छा यार, ब्रेक लेने की वजह क्या थी वो भी अभी मैं आपको आगे फर्दर बताता जाऊँगा। तो बाकी आज मैं जा रहा हूँ यार यूनिवर्सिटी, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट के कुछ मैसेज काफ़ी पहले आए हुए थे और कुछ रिसेंटली अभी मैसेज आए हैं, तो मैंने सोचा यूनिवर्सिटी के रिलेटेड वीडियो बना ही दूँ। क्योंकि भाईजान जब मैं था उधर तो मुझे भी प्रॉब्लम होती थी कि कोई यार गाइड करने वाला हो, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, आपको बताएंगे ब्राइटन में अकोमोडेशन का क्या सीन है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस तो चिल मोल है, वो भी आपको इंशाल्लाह आगे सीन सारा बताते हैं, और जॉब का जो है ब्राइटन में सीन वो भी आपको इंशाल्लाह आज मैं पूरा पता कर कुर के सीन सुन दूंगा। तो भाई आपने वीडियो को देखना है एंड तक। अच्छा यार, मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे थे आप किधर रहते हो, तो भाई मेरे घर से यूनिवर्सिटी का रास्ता 2 आवर्स का। मैं रहता हूँ लंदन वैम्बले में, वैम्बले से मैं सीधा जाता हूँ लंदन ब्रिज, 45 मिनट का रास्ता है। आगे लंदन ब्रिज से मैं सीधा जाता हूँ भाई ब्राइटन, वो है 1 आवर का ऑलमोस्ट रास्ता, तो 2 आवर्स बन जाते हैं। तो मेरे घर का रास्ता 2 आवर्स का फ़िलहाल। मेरी यूनिवर्सिटी शुक्र है भाई जान ख़त्म हुई है, बहुत जो है ना 2 आवर सफ़र करना फिर 2 आवर आना, तो ये ना मेरा ऑलमोस्ट 4 आवर ट्रैवल बन जाता था, तो डिफ़िकल्ट होता था। तो आगे से यूनिवर्सिटी भी 3 दिन आन हो गई थी। तो बाकी ये तो है बाहर की बातें हैं, तो आपने वीडियो को देखना है एंड तक। अभी सीधा मिलते हैं आपको लंदन ब्रिज बगैर टाइम वेस्ट किए। सो गाइस स्टे ट्यून्ड। ये तो भाई जान सुबह का टाइम है, तो मैं आया था पार्क में, तो मैंने सोचा कि पार्क से सीधा व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आप मौसम जैसा कि देख सकते हैं हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे वाला मौसम है, तो बाकी अभी आपको फर्दर सीन दिखाते जाते हैं। अभी हम पहुंचे हैं लंदन ब्रिज, तो भाई राशो शॉप देख सकते हैं। तो अभी मुझे जाना है प्लेटफॉर्म 4-5 से, तो वो अभी क्लोज है। तो अभी सर किसी स्टाफ से पूछते हैं कि ब्राइटन अभी कौन सी ट्रेन जाएगी, क्योंकि मैंने बेसिकली बैठना था इससे, तो ये अभी क्लोज है। तो बाकी अभी पूछते हैं किसी से जाके, तो फिर आपको सीधा मिलते हैं जाकर ब्राइटन। अभी मैं भाई 2 घंटे 10 मिनट के बाद पहुंच आया हूँ ब्राइटन। ये है ब्राइटन का स्टेशन। अच्छा यार, अब इधर से मुझे यूनिवर्सिटी जाने के लिए एक और ट्रेन चेंज करनी है, वो साथ वाले प्लेटफॉर्म से है, वो आएगी इधर में भी, ये जाती है या नहीं या अभी वेट करना पड़ना है। तो जैसे ही आती है तो हम सीधा मिलेंगे यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो बिल्कुल यूनिवर्सिटी के साथ उतारती है, 5 मिनट का रास्ता इधर से। तो बाकी मैं आपको बता दूँ, चल वो बच्चे रहते हैं ना ब्राइटन में, तो उनको तो टिकट लेके इधर आना पड़ता है यूनिवर्सिटी जाने के लिए, टिकट लेनी पड़ती है ट्रेन की। लेकिन जो आते हैं ना लंदन से प्रेस्टन पार्क या साथ साथ वाली जो भी ये ब्राइटन के विलेज हैं उधर से आते हैं, तो उनको टिकट की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने सीधा इधर से ट्रेन से उतर के साथ वाली ट्रेन में बैठ के तो सीधा यूनिवर्सिटी। तो बाकी भी आपको सीधा यूनिवर्सिटी जा कर मिलते हैं। ये है ब्राइटन स्टेशन और इधर ये आपको ट्रेन उतारेगी, और ये है जी भाई एंट्रेंस यूनिवर्सिटी की बैक साइड से। तो मेन साइड से भी आपको दिखा दूँ, तो कोई टैप टूप वाला सीन नहीं है टिकट वाला, सिर्फ आपने उतरना है तो सीधा यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर। और ये है यूनिवर्सिटी की बैक साइड, और ये मैं यूनिवर्सिटी के अंदर इस वक्त एंटर हो रहा हूँ। तो बाकी अभी आपको दिखाते हैं आगे भी, ये है जी सामने, ये आपको नजर आया यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राइटन। और ये है भाईजान बिल्डिंग यूनिवर्सिटी की, एक ये है, और ये बैक साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है सारी मेन एंट्रेंस वगैरह, फ्रंट से भी आपको रोड से भी दिखाता हूँ। और ये सारी बिल्डिंग्स और रोड के अपोजिट साइड पे भी हैं, तो काफ़ी अलग-अलग ब्लॉक हैं इसके। लाइक ये हो गया कंप्यूटर साइंस का, मेडिकल का अलग, और भी जो जितने भी फील्ड हैं सारों का अलग-अलग है। तो बाकी अभी आपको अंदर जा के दिखाते हैं। अच्छा यार, ये है हमारी लैब जहाँ हम लैब वगैरह लेते रहे हैं, लेकिन अब तो हमारी ख़त्म हो गई है। जी तो भाइयों, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फ़ीस का। तो भाई फ़ीस का सीन ये है कि मैंने यूनिवर्सिटी से पूछा कि फ़ीस का क्या क्राइटेरिया है, तो भाई फ़ीस आप पाकिस्तान या जिधर से भी मर्ज़ी जितनी भी मर्ज़ी पे करके आएँ, लेकिन आपने जब इनरोलमेंट करनी है उससे पहले आपको ना 50% पूरी करनी होगी, तब इनरोलमेंट होगी, अदरवाइज़ आपकी इनरोलमेंट नहीं होगी।
और सेकंड बात रही इधर यार रूम का सीन ये है कि भाई 440 से नीचे इधर कोई रूम नहीं है अभी, क्योंकि मैंने काफ़ी चेक किया लेकिन कोई रूम भी इधर अवेलेबल नहीं है 440 से नीचे। और थर्ड बात है कि भाई इधर एशियन रेस्टोरेंट ना जो वो बहुत कम है, क्योंकि इधर है ये है प्योर गोरुंग का इलाका, तो इधर ज़्यादातर बार हैं, क्लब्स हैं, वो हैं, तो आपको वो जॉब मिलनी है तो वो आप कर नहीं सकते, तो क्योंकि उसमें उनकी ड्रेसिंग करनी होती है जो भी सीन होता है। तो मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया जो भी इधर का था इधर का नहीं, तो बाकी अगर कोई रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, या मैं आपका अपना इंस्टाग्राम दे देता हूँ तो उधर आप मुझे मैसेज कर लें, कोई भी इन्फॉर्मेशन रह गया तो मैं फिर इंशाल्लाह आऊँगा तो फिर बना लेंगे, कोई टेंशन नहीं, एक और वीडियो बना देंगे। और दूसरी बात यह है कि मैं ना सारी यूनिवर्सिटी की मेल्स वगैरह फीस डिपार्टमेंट की और जो भी स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सेंटर की जो भी है वो मैं सारी ना नीचे मेंशन कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप उधर जाके ना यूनिवर्सिटी से खुद भी कांटेक्ट करके जो आपकी कोई कन्फ्यूजन वगैरह है, आपकी जो भी सेटिस्फेक्शन है तो वो दूर कर सकते हैं। अच्छा यार, व्लॉगिंग स्टॉप होने की वजह क्या थी? वो ये थी कि भाई यूनिवर्सिटी हो गई थी 3 दिन ऑन और साथ काम भी करना, भाई टाइम टू नहीं था होता, तो जिसकी वजह से मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत ब्रेक लेते हैं। और सेकंड रीज़न ये है कि मैंने ये वीडियो पहले ही बनाई हुई थी तो मैंने सोचा हुआ था कि ऐड करेंगे, तो वीडियो आप देखें तो फिर आपको बताते हैं क्या सीन है। जी तो भाई, व्लॉग छोड़ने की एक वजह ये भी थी क्योंकि मेरे मोबाइल इस पर मैं व्लॉग बनाता था तो मेरे मोबाइल की हो गई थी जो है ना स्टोरेज फुल फिनिश, और ये हैंग होने लग पड़ना था जिसकी वजह से ना, तो मैंने एक ये भी वे था जिसकी वजह से ना थोड़ी ब्रेक लेनी पड़ गई है। लेकिन ये वीडियो मैं पहले बना रहा हूँ, अभी फ़ोन शोन लिया नहीं है, तो मैंने कहा ओपनिंग करके ना आपको भी शेयर करते हैं, आपको भी दिखाते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, मैंने कहते हैं ना बंदर माचस चढ़ गए, तो ये सेम सीन है, फर्स्ट टाइम मैंने लिया है, तो देखते हैं अभी स्टार्ट करते हैं। जी तो भाई ये हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाओ। जी तो भाई ये है iPhone 14 Pro Max, ये आपके भाई ने लिया, तो अब आपको ना HD व्लॉग मिला करेंगे, आपने टेंशन टूशन नहीं लेनी। तो अभी ये भी ओपन कर लेते हैं, ये आप कह रहे होंगे डमी ना और डमी नहीं है, ये देख लें सारा सीन सुन, बाकी अभी इंशाल्लाह आपको ना व्लॉग में नजर आएगा मजे वाला सीन, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मजा आया, जाओ जाओ जा, सिम हो जा। ओ ये भाई जान ऑन हो गया। ये तो भाई आपने वीडियो देख ली है। अच्छा यार, मैंने ये सोचा कि थोड़ी बहुत ना बंदा शोही भी मारनी चाहिए, समझ रहे हो ना, यार शोही तो नहीं, ये मजाक था, तो लेकिन बात ये थी कि मेरे मोबाइल पहले की ना स्टोरी खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से ना मैं व्लॉग वगैरह ना मैंने सोचा कि जब यूनिवर्सिटी से फ्री होऊंगा फिर ही मैं ना आराम से स्टार्ट करूंगा, तो बाकी अभी मैंने सोचा करते हैं अपने व्लॉग को एंड, काफ़ी लंबा हो गया, तो भैया आपने वीडियो को देखना एंड तक, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी करना, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में इसी तरह की ब्यूटीफुल प्लेस लेके। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।